हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से एग्जांपल नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 1 मार्क के क्वेश्चन, जो ए पार्ट में क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। तो एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। मतलब कि ये जो हमारे एंगल्स हैं उनको, ये 85 75 है, इन एंगल्स को हमें चेंज करके 0 टू 45, मतलब बिटवीन 0 एंड 45, मतलब 0 और 45 के बीच में जो भी एंगल है, 1 2 3 4 से लेके 44 20 35 39, इन एंगल्स में इनको चेंज करना है। तो मैंने आपको कहा था कि जिन एंगल्स की वैल्यू आपको नहीं पता होती है, जैसे कि हमें जो वैल्यू पता है वो है 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं की वैल्यू पता है, हमें 85, 75 की वैल्यू तो पता नहीं है। तो वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी यूज करके और इसको सॉल्व करो। तो अब यहां पे देखो, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ये हमें यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ एंगल्स को चेंज करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें देखने, तो आप देखो 85 में कितना ऐड करोगे कि 90 आएगा, 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना हो जाएगा, तो वो हम फाइंड करें। तो हमें बताया कि 85 प्लस 5 हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 85 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, 5 को उधर ट्रांसफर करो, 90 माइनस 5 हो गया, अब इक्वल हो गया। देखो 85 में, यानी कि 85 का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा 5 हो गया, या फिर आप ऐसे समझो कि यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 हो, तो इन दोनों एंगल का सम हमारा 90 है। तो हम ये देखना है कि 85 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, तो 85 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो फिर 85 की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, 90 माइनस 5। एंड दूसरे में भी हम ये देखते हैं, अब यहाँ पे देखो 75 में कितना ऐड करोगे कि 90 आएगा, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 15, ठीक है। तो अब हमें 75 को चेंज करना है, तो 75 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम 15 को ट्रांसफर करते हैं, तो 90 माइनस 15 हो गया। तो यहाँ पे 85 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और 75 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, cot हमारा एज इट इज है, अभी हम सिर्फ एंगल चेंज करें, 85 की जगह हमने क्या पुट करना है, 90 माइनस 5 प्लस cos 75 की जगह हमें क्या पुट करना है, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। 75 को हम 90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 15 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ हमारा कितना आएगा, 75 आएगा, और 90 माइनस 5 हमारा 85 आएगा। तो आंसर में तो हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के बिल्कुल इक्वल है। अब आप यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे कैसे लगेंगे, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा यहाँ हमारा क्या होता है, tan थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हमारा यहाँ क्या होता है, sin थीटा। तो ये हमारी क्या लग गई यहाँ पे, आइडेंटिटी, ओके। तो ये दोनों आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करें, cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा आया, तो यहाँ थीटा कितना है हमारा 5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 15 डिग्री। तो हो गया आपका यहाँ पे चेंज, कि आपको एंगल्स फाइंड करने ना बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री के बीच में, तो ये एंगल हमारे 0 और 45 के बीच में ही तो है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो वो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ये आपका 3 लाइन का आंसर है, बट आपको एक्सप्लेन पूरा करना है, आपको यहाँ पे इतना स्टेप लिखोगे आपको 1 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जहां पे भी जो भी आइडेंटिटी यूज आती है वो आपको क्वेश्चन में जरूर लिखनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अभी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।